लो स्कोरिंग मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराकर राजस्थान रॉयल ने पॉइंट्स टेबल में हासिल करी दो महत्वपूर्ण अंक और पहुंची सीधे आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में। तो वहीं हार के बाद पंजाब किंग्स को हुआ भारी नुकसान, बदल गया आईपीएल 2024 का पूरा पॉइंट्स टेबल। मुकाबले के आखिरी ओवर में हेटमायर का आया तूफान। तो ऐसे में दोस्तों क्या है पूरी खबर की जानकारी, आखिरकार कैसे राजस्थान रॉयल ने पंजाब को हराकर पहुंच चुकी है आईपीएल 2024 के सीधे प्लेऑफ में, और कैसे हार के बाद पंजाब किंग्स को हो गया है पॉइंट्स टेबल में भारी नुकसान, बताएंगे पूरी खबर की जानकारी आज की वीडियो में। अगर आप भी हैं संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल के फैन तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 27वां रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल बनाम पंजाब किंग्स टीम के बीच खेला गया, जहां दोस्तों आपको बताएं कि आज राजस्थान रॉयल ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी और पंजाब को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं दोस्तों पहले बैटिंग करने उतरी पंजाब किंग्स टीम ने शुरुआत थोड़ी अच्छी की, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने पावर प्ले में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की और मात्र 39 रन ही दिए और साथ में दो विकेट भी उड़ा ले गए। दोनों ओपनर बल्लेबाज अथर्व ताइडे और जॉनी बेरेस्टो 15-15 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसके बाद दोस्तों राजस्थान के गेंदबाजों ने पंजाब को संभलने भी नहीं दिया और बैक टू बैक विकेट लेकर पंजाब को पूरी तरह से बिखेर दिया। पंजाब का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और एक के बाद एक विकेट गंवाते चले गए। केवल अंतिम में लिविंग अस्टन 21 और आशुतोष शर्मा ने 31 रनों की पारी खेली, जिससे पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन तक पहुँच पाई। राजस्थान की ओर से दोस्तों केशव महाराज और आवेश खान को दो दो विकेट मिला। वहीं जवाब में दोस्तों टारगेट को चेज करने उतरी राजस्थान टीम ने शुरुआत बहुत ही शानदार करी और पावर प्ले में 33 रन बना दिए बिना विकेट गवाए, मगर दोस्तों इसके तुरंत बाद दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके की मदद से 39 रन बनाए तो वहीं तनुष कोटियन 24 रन बनाए और इनके साथ साथ दोस्तों कप्तान संजू भी 18 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों फिर बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म बल्लेबाज रियान पराग ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी किए और 23 रन बनाकर वापस लौट गए। तो वहीं दोस्तों अंतिम में सिमरन हेटमायर ने तूफानी बल्लेबाजी किए और आखिरी ओवर में राजस्थान को छक्का लगाकर 3 विकेट से जीत दिलवा दिया। हेटमायर ने 10 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ 25 रन ठोके। इस मुकाबले को जीतते ही दोस्तों राजस्थान रॉयल दो महत्वपूर्ण अंक हासिल करके पॉइंट्स टेबल में मचाया है बवाल। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2024 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल के पहले पोजीशन पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है और राजस्थान टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 6 मुकाबले खेली है, जिसमें आरआर टीम 5 मुकाबले जीती है और मात्र 1 मुकाबला हारी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों आरआर टीम के फिलहाल 10 अंक है। वहीं दूसरे पोजीशन पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खिसक गई है। केकेआर अब तक 4 मुकाबले खेली है, जिसमें केकेआर 3 मुकाबला जीती है और 1 मुकाबला हारी है। पॉइंट्स टेबल पर केकेआर टीम के 6 अंक है। तीसरे पोजीशन पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खिसक गई है और सीएसके अब तक आईपीएल में कुल 5 मुकाबले खेली है, जिसमें सीएसके 3 मुकाबले जीती है जबकि 2 में उसे हार मिली है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों सीएसके टीम के 6 अंक है। वहीं चौथे पोजीशन पर दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आ गई है और एलएसजी अब तक 5 मुकाबले खेली है, जिसमें 3 मुकाबले जीती है और 2 मुकाबला हारी है। एलएसजी के पॉइंट्स टेबल पर 6 अंक है। पांचवें पोजीशन पर दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की टीम आ गई है और एसआरएच अब तक 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें एसआरएच 2 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबला हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों एसआरएच टीम के 4 अंक हैं। वहीं पॉइंट्स टेबल के 6ठे पोजीशन पर गुजरात टाइटंस की टीम पहुंच गई है, जहां जीटी अब तक कुल 6 मुकाबला खेली है, जिसमें जीटी 3 मुकाबला जीती है और 3 मुकाबला हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों जीटी के 6 अंक हैं। 7वें पोजीशन पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम बनी हुई है। एमआई टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 5 मुकाबला खेली है, जिसमें एमआई टीम मात्र 2 मुकाबला जीत पाई है और 3 मुकाबला हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों मुंबई इंडियंस टीम के फिलहाल 4 अंक हैं। वहीं 8वें पोजीशन पर दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जो अब तक कुल 6 मुकाबला खेल चुकी है, जिसमें पंजाब 2 मुकाबला जीती है और 4 मुकाबला हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों पंजाब किंग्स के फिलहाल 4 अंक हैं। वहीं पॉइंट्स टेबल के 9वें पोजीशन पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और डीसी अब तक कुल 6 मुकाबला खेली है, जिसमें डीसी भी मात्र 2 मुकाबला जीती है और 4 मुकाबला हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों डीसी टीम के फिलहाल 4 अंक हैं। वहीं पॉइंट्स टेबल के आखिरी और 10वें पोजीशन पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम आ गई है। आरसीबी अब तक 6 मुकाबला खेली है, जिसमें आरसीबी केवल 1 मुकाबला जीती है और 5 मुकाबला बुरी तरीके से हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों आरसीबी टीम के फिलहाल 2 अंक है। तो दोस्तों आईपीएल 2024 से जुड़ी और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।